No, mamá. Ladies and gentlemen, I'm going to escort you, but doesn't mean that I'm really going to escort you. This is a really paquete that I'm going to accept it. अब जो करने जा रहे हैं आप लोग स्पेशली इन दिस बैच अकॉर्डिंग टू योर लेवल दैट इज आई हैव मेड यू सिट जस्ट लाइक दिस वन एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई एम क्वाइट फ्रैंक इन एवरीथिंग इन ईटिंग गुजिया इन ईटिंग फूड इन ड्रिंकिंग एनीथिंग इन एवरीथिंग समटाइम्स द पीपल से दैट यू नो इफ समबडी डू नो बैना का इज बैना व्हाट इज बैना डोंट स्पीक हिंदी प्लीज आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एग्जैक्टली आई एम सॉरी Sweet things. When some guest comes, it's for the wedding as well. It's for wedding as well. Yes. But when some guests come, bring more mithai. Yes. Then actually we cannot, I can say digest. Then we send to another room. Just for the fun. Like especially when bhabhi comes, like sister Illa comes, then sister Illa brings thokwa, gulab jamun, lapsi, sohari. Then our ammi, what does our mother do? Yes, sir. जाओ रे चाची के घर दे आओ. So we eat that. है कि नहीं हम लोग खाते हैं. That is a kind of baina exactly. मैंने baina का example दिया. कुछ भी खाना हो कुछ लोग कहते हैं कि baina मत खाओ. कुछ करके दिए हैं. आपने ऐसा सुना होगा ना? अरे उनके घर का है वो मत दो. कुछ करके दिए हुए हैं कि तुम ऐसे हो जाओगे तुम ऐसा हो जाओगे. The people say something like that. बट मेरे घर पे आता पहले मैं ही खाता हूँ एंड जबरदस्त तरीके से मीन्स आई एम फ्रैंक इन एवरीथिंग. मैं ये क्यों बता रहा हूँ अपनी कहानी. आप कहें कैप सर तो अपनी कहानी बताने लगते हैं. यस मैं कह रहा हूँ ना बोलने की जब बात आए इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाओ एकदम मुफट बन जाओ. अभी यहाँ आने के बाद हालत ख़राब होने वाली आप लोग की. देख रहे हो चारों तरफ चारों चेहरा. कोई जो अपनी सेट अभी ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा द पीपल डू दैट आई नो एंड दैट इज वाई आई हैव मेड अ ग्रेट सर्कल टुडे. द हिंट द पॉइंट द थिंग दैट आई एम जस्ट गोना गिव यू यू आर सिंपली गोइंग टू कम. अब ऐसा नहीं कि बस खाली जोया से बात करेंगे. नहीं यू आर गोइंग टू टॉक ऐसे 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 करके आपको बात करनी है. मोटिवेशनल थॉट रखनी है. जो भी आपको मैं सिचुएशन दूंगा अभी बड़ी सिंपल सिंपल सिचुएशन आएगी. आपको एनर्जी के साथ सभी को गुड मॉर्निंग बोलना है. अपने बारे में थोड़ा सा बताना. मैं पब्लिक स्पीकिंग के सारे टिप्स दिया हूँ कि कैसे आपको ग्रैब करना है. थोड़ा सा चिल्ला के आप कुछ लोग कहने भैया हमारा ग्रामर सही नहीं है हमारे वर्ड्स नहीं है. कभी कभी अभी फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल इफ यू गो कैनेडा और अमेरिका और एनी स्पीकिंग कंट्री विल यू डाई. You have money, you have everything. Will you die? Because you don't know English language? No. You will die? No. You will use your sign language to eat anything, right? Yes. You will simply, excuse me, hello, bhaiya, right? You will stay like that. You will do like that. So you will try to use your sign language, your body language to survive there. Same like that. The situation that I'm going to give you right now to you, you're going to use the sign language. You're going to speak the topic that I will be giving you right now. So are we ready for that? तैयार है एकदम. अच्छा यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हम लोग करेंगे. हो सकता है कुछ डांस का भी हो सकता है सिंगिंग का भी हो सकता है. थोड़ा सा आपको फ्रैंक करने के लिए थोड़ा सा दिल खोलने के लिए ताकि आप लोग मुफट हो पाएँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाए. चलिए खैर तो शुड वी स्टार्ट एवरीवन. यू आर नॉट रेडी राइट. ज़बरदस्ती यस सर है ना. निशान तैयार नहीं है ना. क्या होने जा रहा है क्या होने जा रहा है. ठीक ही क्या होने जा रहा है. Activity. क्या होता है एक्टिविटी. आर्यमा व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर फॉर ओके. सो बाय डूइंग दिस वन What are we gonna get? We gonna get a confidence and as well as public speaking. And if most of the people panic and you trying to their fears go. Yes, yes. So Arima has completely understood. She's trying to say that we are doing only to interact with the people. अब जैसे अब्दुल्ला भाई बड़ा अच्छा कोशिश कर रहा है आजकल दिख रहा हूँ बोलने के लिए. ठीक है. अब जीशान उबैद या ऋतिक
ये लोग पता है यहाँ आके बात ही नहीं कर सकते, ऐसे बात ही नहीं कर पाएंगे वो, क्यों? क्योंकि अभी तक ना जिस गली से बिलोंग करते हैं या फिर जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं वहां पे क्या बताया गया, लड़की को देखना नहीं है। I'm right? ऐसा ही नहीं। और अगर कहीं देख ली अम्मी या भैया कि लड़की से बात कर रहा है तब तो इधर आओ। टॉक नहीं, अगर देख भी लिया। एक बार मैं एक कहानी बताता हूँ, मेरे गाँव में क्या हुआ, एक लड़की अपनी सहेली को भेजी गिफ्ट लेके, पहुंचा लड़का अपने भाई से, और जब दरवाजे से निकल रहा था अपनी सहेली दोस्त के, कमर उमर तोड़ डाले उसकी, कह रहा भाई ये मोरी सहेली। अरे ये कुछ नहीं, कमर हाथ पैर टूट गया, गया हॉस्पिटल लड़का, फिर बाद में जांच पड़ताल हुई, भैया क्या मामला है, वो लोग समझे कि आया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, पर एक्चुअली क्या था कि उसकी दोस्त अपने भाई के द्वारा भिजवाई थी, वहाँ पे सब लोग समझे नहीं, गांव में पीट पाट डाले। आज भी बेचारा पता कैसे चल रहा है, जो साइकिल होती है ना, ले ली जिंदगी उसके बेचारे की, खाली गलत फहमी में शर्मिंदा है बेचारे वो लोग। करे यार पूछ लेना, पूछे होते तो आज बच गया होता, लेकिन पूछे नहीं, कह रहा है कि भाई मेरी अप्पी मेरी ये वो रे सिस्टर कुछ नहीं, धड़धड़ा के पीट दिए, तोहफा है ना हाथ में गिफ्ट है, तो भैया हो सकता है लाया था देने के लिए। तो एक भाई बना हुआ लड़की के लिए, ठीक है, अभी इंटरेक्ट हाथ मिलाना तो भैया ऐसे करें कांप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, कैमरा चल रहा है, चलने दीजिए, नहीं मैं आपको नहीं करूँ, आप ही के साथ ऐसा होता है गांव में, मैं तो खुद ही गांव को भैया मैं जानता हूँ ना, लड़कियों से बात करना होता तो कसम डर जाता था, कांप जाता था, क्योंकि भैया घर से वही है कि लड़की से बात नहीं करना है, लड़की सामने जाया देखना नहीं है, वहाँ ये सब मेंटेलिटी बन गई थी। मैं इस वजह से बता रहा हूँ ये क्यों है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यू, व्हेनेवर यू हैव टू बी प्रोफेशनल, अब पता चला लड़की जो है क्रीम लगा के पाउडर लगा के इंटरव्यू ले, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आंसर पता होता है, लेकिन अम्मी बोली थी देखना नहीं है, अम्मी बोली ये देखना नहीं है, भाई बोला तो बात किए तो पिट जाओगे, तो ये तुम्हारी थॉट चलती, मतलब हम एकदम खुले नहीं लड़की से, एंड दैट इज वाई। अच्छा लड़के के साथ नहीं लड़की के साथ भी है, लड़कियों को तो और अंदर से लड़का बाहर खड़े तुम बाहर कर रही हो बाहर, तो बहुत उनको भी डराया गया, वो लड़के से कभी बात ही नहीं कर पाती हैं, एंड दैट इज वाई दे आर अनेबल टू इंटरेक्ट। आप लोग भी जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हो, मुझे लगता है कि बाहर किसी लड़के को अगर आप कुछ कभी कभी पूछना होता तो चार बार सोचते होंगे आप लोग, और कुछ लड़कियां हो सकता है आप ही लोगों में होता है डरती नहीं होगी इसके भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, ऐसे भी पूछ लेते होंगे आप लोग, और कुछ लोग होते हिम्मत नहीं, मुझे लगता है सालिनी तो नहीं पूछ पाएंगे, राइट नहीं पूछ पाएंगे, इतना फ्रैंक बनो ना ऐसे भाई एक्सक्यूज मी ऐसे पैट करके भाई हजरतगंज का रास्ता कहाँ है, यस ऐसे इतना फ्रैंक होना चाहिए, और वो फ्रैंक आपका तभी हो पाएंगे जब आप प्रोफेशनल होंगे, जब कॉन्फिडेंस लेकर आ पाएंगे, कितना भी आपके अंदर ज्ञान की ना हो, द नॉलेज दैट यू हैव इन माइंड द डिजायर दैट यू हैव इन योर हार्ट एवरीथिंग विल बिकम यूजलेस व्हेन यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस। So that is why today we have made a circle here. Whatever we are going to speak, we are going to interact with the people. एक अच्छी body language के साथ, एक अच्छे enthusiasm के साथ, एक अच्छे passion के साथ आज हम लोग अपनी पूरी भड़ास निकालने वाले हैं, पूरी बात रखने वाले हैं। अब आप कुछ लोग सोचें मेरी fluency नहीं है, ठीक है fluency नहीं है, तोड़ फोड़ के बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ के बारे में आपको बोलना है, बोलो तोड़ो, लखनऊ गुड सिटी इज जनेश्वर मिश्रा पार्क वेरी बिग। देख रहे इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रोकन इंग्लिश, this is called broken english. ab aap logo interact karo, you know I am telling you that go on gomti nagar river front big, ab is aap bol le ho lekin actually bhadas nikal le, confidence build up ho gaya, to ye jo aapka rule wagera jo aapko padhaya jata hai na, fir jab aapka confidence develop ho jayega, main signature deke keh raha hu wo automatic fir niklega। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक हो सकता है ऑन द स्पॉट दी जाएगी, हो सकता है कुछ एक्सप्रेशन की दी जाएगी, जो भी आपको दिया जाएगा रैंडम, मैं नहीं बताऊंगा भैया तैयार कर लो इसे करना, नहीं तैयार कर लो उसके बाद तो सब लोग बोलेंगे, हो सकता है। चलिए आई लाइक टू कॉल इज ऑफ द क्लास, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द लेडीज एग्जैक्टली बिकॉज इट इज कंसीडर्ड शुभ, स्टार्टिंग फ्रॉम लक्ष्मी इट इज कंसीडर्ड शुभ, सो आई लाइक टू कॉल मिस आर्यमा। Hey ladies and gentlemen, I'm going to scold you, but doesn't mean that I'm really going to scold you. This is a really a kit that I'm going to accept it. फिर जो गुस्सा दिखाना है ना, पता तोड़ फोड़ मचा दे रहा है।
Hello everyone, my name is Arma Sharma. I'm from Sitapuram, basically in Lucknow. Today's activity, I'm going to scold you a lot. I'm very angry. And please forgive me if you get upset or offended. So I started. Where did I start, sir? You start from anywhere, come on. Okay. You can have any situation, right? Come on. Yeah, some people think ki I'm over confident. Yes, sir, overconfident, and I overreact sometimes. But it's not like that. It's my personality. It's called people. Why do the people think like that? It's my personality, and this is why who I am. You don't have the right to judge me. If you not able to say it, if you not able to connect with people, it's not my fault. Please look at yourself first, then look, then judge me, then say comments to me. And please, please, if you are not confident enough to beat me, so it's not my fault, it is your fault to be. You're going good, but you're not escorting, you're convincing people. Yes, Ota, Ammi Maara ke paas baat samjhati hai. And so how can I say this? I can't do that. You have to do that, right? You are quite confident. You said to me yesterday, I'm all confident. What the hell are you doing? Like that, yes. You can do that, come on. Yes. You moron, how can you say this to me, huh? Yes. How are you laughing? Idiot. Come on, say like that. Are you laughing? I'm a joke to you. No, mama. See, her name is Arima. She's my mama. I'm not your mother, okay? To be in your limit. Yes, good. You're very good. It's not good as well. It's mining. Why? What nonsense is this happening here? You beat Mom, seriously. Yesterday you were laughing at me. Why? I'm not laughing at you. Nay, yes, you are. I saw you. Just tell me, why? I'm not laughing at you. You are. I saw you and my friend saw it too. Yes, I also saw. Sir is also saw you. Why? Give it. Give the answer. Say it to me. Say it. Laugh at my face. Situation is tarah saaf rakhiye. Bahut acha hoga ki sabhi ko aise hi karna hai. Pehle to apko gussa dikhaiye. तो मैंने गुस्सा दिखा लिया सिद्धार्थ के ऊपर. He's my friend and he's don't get offended. Nobody will. देखो किसी को भैया चोट ना पहुंचे. We are doing this for only for developing the confidence. ठीक है. आप पहले किसी को डांटिए. ठीक है. उसके बाद आइए सभी लोगों के पास. Ladies and gentlemen, what the nonsense is happening with me now? Is I've been looking. I come to the class. The people think about me that I am nonsense. I am not. What do you think about me? You are laughing at me. But the nonsense is this happening with me here. ये तो एक सिचुएशन रख दिया आपने. फिर आइए, guys, जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लड़कियों के साथ होता है ऐसा नहीं होना चाहिए. You can take example of what happened to Dr. Priyanka Reddy. She has been molested. I am the girl. I will talk about it. मैं बात करूंगा इसके बारे में क्योंकि मैं लड़की हूँ, महिला हूँ. ये ऐसे बात करूँ. पहले डांटिए, फिर उसके बाद एक मैसेज देकर बैठ जाइए. और थोड़ा हंसिए कम. हंसेंगे तो वही हो जाएगा. एकदम सीरियसली थोड़ा डांट लीजिए, फिर मोटिवेशन लीजिए. चलिए अब आप अपना अपना पर्सनल सिचुएशन मत लीजिए. आई एम मोर कॉन्फिडेंट. और कहते हो क्या वो कॉन्फिडेंट है? नो वरी सेज लाइक दैट. इट इज योर नेचर, नो प्रॉब्लम. आपने सिचुएशन रखिए. द पीपल अंडरस्टिमेट गर्ल्स. ओके, लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है. लुक एट मी, आई एम नॉट अनकॉन्फिडेंट. I can speak about anything. I can talk about anything. You are the boy. You are thinking about me that I am being underestimated in my society. Who the hell you are to dominate girls? आप कौन से बकवास जैसी बातें कर रहे हैं? आप लड़की को डोमिनेट करते हैं? आप डोरी ठारोजी में डोमेस्टिक वायलेंस उठा रहे हो? हाँ, come on.
in this society, girls are very, what did you say, sir? Girls are very underestimated. Underestimated. Why? Why boys have all the fun and hug all the requirements and they can go go outside at night and fun? Why cannot girls? Give me the answer. And also they can go anywhere without any fear. They can go anywhere without any fear, but girls cannot do. They have to take permission from their parents also. Is that true? Yes. Is it true? And girls, are you get offended by this? And are you get upset by this? Yes. Exactly. That's my point. Nowadays, my family support me. But at some point, they have fears. If I go outside, hooligans are and goons are there, some molested and staring person are there. Some of you guys also did the same thing. Oh, no. You stare at girls and mocking them, bullied them. But it's not right. If you think in equality, then believe in it. Don't compare yourself with girls also. If you are not able to respect them, to don't judge them. Right. That's wonderful. My point. Great. Please give me my wonderfully, you have accepted your challenge to speak about something, scolding and giving the message. Now I would like to call another person exactly to do some activity and speak about something. I'd like to call Mr. Two people I'll be calling, because this kind of activity is gonna be quite funny activity, right? To develop the confidence. Mr. Sameer.